आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हाई प्रोफाइल मर्डर केस में पकड़ा दीपक टीनू फरार हो गया। लॉरेंस का खासम खास टीनू ए कैटेगरी गैंगस्टर है। आखिर आधी रात को दीपक टीनू कैसे फरार हो गया, इसको लेकर अब कई तरह की चर्चाएं हैं। ये भी सामने आ रहा है कि दीपक टीनू को रिमांड पर लेने के बाद हवालात की बजाय इस होटल में रखा जा रहा था। यह सिलसिला पिछले 3 दिन से चल रहा था। उसके फरार होने के बाद पूरी पोल खुल गई। पूरे मामले में मानसा पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीआईए के इंचार्ज की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इसके बाद डीजीपी गौरव यादव ने सीआईए के इंचार्ज को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। उसके खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक मानसा सीआईए के इंचार्ज दीपक टीनू को कल रात करीब 11 बजे मानसा से 25 किलोमीटर दूर झुनीर लेकर आया था। उसे प्राइवेट गाड़ी में लाया गया जो ब्रेजा बताई जा रही है। टीनू के साथ सिर्फ सीआईए इंचार्ज था, कोई दूसरा पुलिस कर्मचारी या सिक्योरिटी नहीं था। यही नहीं, टीनू को हथकड़ी तक नहीं लगाई गई। इस दौरान वह 11 बजे फरार हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीआईए इंचार्ज दीपक टीनू को मानसा से झुनी लाया, जहां पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की ब्रांच है। इसके ऊपर गैंगस्ट हाउस नुमा होटल बना हुआ है। यही दीपक टीनू को लाया गया था, जहां से वह फरार हो गया। यह भी पता चला है कि इन कमरों में अक्सर पुलिस वाले ठहरते हैं। सूत्रों की माने तो पिछले 3 दिनों से गैंगस्टर को यहां लाया जा रहा था। उसे यहां क्यों लाया गया, उससे क्या पूछताछ करनी थी, किससे मुलाकात कराई जा रही थी, इन तमाम सवालों पर पंजाब और खासकर मानसा की पुलिस खामोश है। मूसेवाला कत्ल केस में सभी गैंगस्टरों को कड़ी सिक्योरिटी में लाया और ले जाया जाता है। ऐसे में दीपक टीनू के मामले में लापरवाही क्यों बरती गई, इसको लेकर सबको पंजाब पुलिस के जवाब का इंतजार है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।